हाँ तो देखते हैं प्यारे भैया बहनों, प्रश्नावली 3 या अब इसको कैसे हल करेंगे। तो दिया है यहाँ पर कि थीटा का वह व्यापक मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित दोनों समीकरण को एक साथ संतुष्ट करता है। अब दिया है कि थीटा का वह व्यापक मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित दोनों समीकरण को तो एक साथ संतुष्ट करता है। अब यह पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 1/2 परिमेय और दूसरा समीकरण है सेक थीटा बराबर -2 परिमेय। अब यह दिया गया है तो दिया गया है कि थीटा का वह व्यापक मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित दोनों समीकरण को एक साथ संतुष्ट करता है। ये दो समीकरण दिए गए हैं तो इनका थीटा का मान जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसी से हम ये थीटा का व्यापक मान हम लिखते हैं। तो थीटा का व्यापक मान जो होगा, अब यहां दो गुण दिए गए हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2 परिमेय और सेक थीटा बराबर -2 परिमेय, ये मान दिए गए हैं। तो इनसे हम थीटा का एक उभयनिष्ठ मान निकालेंगे कि साइन थीटा का मान 1/2 परिमेय हो तो थीटा के दोनों मान क्या होंगे, फिर सेक थीटा का मान -2 परिमेय हो तो थीटा के दोनों मान क्या होंगे, या हम ज्ञात करेंगे जो दोनों मान निकलेगा, इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा उनमें दोनों में जो उभयनिष्ठ मान होगा वही आपका थीटा का व्यापक मान होगा। तो लिखेंगे थीटा बराबर 2n पाई और ±α, यानी हम थीटा का व्यापक मान क्या लिखेंगे 2n पाई और ±α, ये चीजें। तो इन दोनों सूत्रों से, इन दोनों प्रश्न के माध्यम से थीटा का व्यापक मान निकालेंगे, जो कॉमन मान आएगा वही आपका अल्फा कहलाएगा। तो देखें अब यहां हल क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि साइन थीटा, अब पहला मान है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/2 करनी है। अब जब साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान 1/2 करनी में जो है ये है, तो यह जो मान होगा यह आपका मान आपका साइन 45 अंश का होगा। हम पढ़ चुके हैं कि साइन 45 अंश का मान जो होगा 1/2 करनी में दो, तो यह आपका हो गया एक मान साइन 45 अंश हो गया। और फिर दूसरा मान क्या होगा, तो दूसरा मान होगा ये साइन
180 अंश माइनस 45। अब जब हम पढ़े हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यह आपका क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, अर्थात साइन 45 अंश आएगा। हम एक इस कहां पर होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, अर्थात साइन 45 अंश होगा। अब साइन 45 का मान क्या होगा, एक बटा कर्णी में दो, साइन 45 का मान क्या होगा, एक बटा कर्णी में दो, अर्थात ये दोनों के मान आपके क्या होंगे, साइन 45 का मान एक बटा कर्णी में दो होगा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 45, तो साइन 180 माइनस 45 तो साइन 45 आएगा, नहीं होगा, तो यह साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, अर्थात साइन 45 अंश होगा, और साइन 45 की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। अर्थात अब यह मान क्या हो गया, ये साइन 45 अंश, अब साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2, तथा अब यह क्या होगा, साइन 180 माइनस 45 अर्थात 135 अंश हो गया, और यह मान क्या हो गया, साइन थीटा। तो अब यहां बोले अब यह साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन 45 या साइन 135, तो इससे हमारा थीटा का मान क्या होगा, यहां थीटा का जो मान होगा उभयनिष्ठ मान, यह थीटा का मान, अब यहां थीटा का मान अब ये थीटा का मान होगा या तो 45 अंश तथा 135 अंश, ये दो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये दूसरा समीकरण आएंगे, तो दूसरा समीकरण क्या है, सेक सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या है, माइनस कर्णी में, तो सेक थीटा बराबर माइनस कर्णी में होगा, तो अब यह सेक 45, सेक 45 का मान क्या होगा, कर्णी में, ठीक है, या sec थीटा, तो sec थीटा का मान क्या है, कर्णी में दो है, तो ये किसका मान होगा, sec 45 होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्यों, cos 45 अंश का मान जो होगा, cos 45 का मान एक बटा कर्णी में दो, तो cos का उल्टा sec होता, तो sec बराबर क्या होगा, कर्णी में दो, तो अब यह sec सेक बराबर माइनस करने में दो, तो सेक बराबर माइनस करने में दो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक 45 अंश, ये चीज हो गया, ये सेक 45 अंश, अब ये सेक 45 अंश हुआ, अब ये सेक 45 को क्या लिख सकते हैं, पहले चतुर्थांश में आपका होगा नहीं, ये सेक थीटा, तो sec थीटा बराबर माइनस करने में दो, और माइनस करने में दो तो माइनस हो गया, और ये करने दो किसका मान है, sec 45। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं sec 180 माइनस 45। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब पढ़े हैं से 180 अंश माइनस 45 अंश, ये द्वितीय चतुर्थांश में मान पड़े हैं कि से 180 माइनस थीटा,
तो sec 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस sec थीटा। हम पढ़े हैं इसको द्वितीय चतुर्थांश में कि sec 180 माइनस थीटा, तो sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, तो माइनस sec 45। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sec 180 अंश और माइनस 45 अंश, सेट 180 अंश क्या हो गया, सेट 180 अंश माइनस 45 अंश, या सेट सेट अब क्या करें, अब सेट 180 प्लस 45, सेट 180 अंश और प्लस 45 अंश, अब यह सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हुआ माइनस कड़ी में तो और माइनस हो गया और कड़ी दो किसका मान सेक 45, तो माइनस सेक 45 को क्या लिख सकते हैं, माइनस सेक 45 को इसको लिख सकते हैं कि सेक सेक 180 माइनस 45, तो सेक 180 माइनस 45 क्या होगा, माइनस सेक 45, माइनस सेक 45 निकल जाएगा, या फिर क्या लिख सकते हैं सेक 180 प्लस 45। अब सेक 180 प्लस थीटा यह तृतीय चतुर्थांश में होगा, तो सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस सेक थीटा। तो अब इतने को क्या लिख सकते हैं, तो बराबर होगा यह सेक 180 माइनस 45, तो सेक 180 माइनस 45 अर्थात सेक 135 अंश तथा क्या होगा सेक 225 अंश। अब यह पांच हो गया, आठ चार बारह और एक एक, तो यहां हमारा मान निकला सेक थीटा, तो अब थीटा का मान क्या निकलेगा, थीटा का मान है अब यहां थीटा का, तो थीटा का मान, तो थीटा का मान होगा 135 अंश तथा 225 अंश। अब यह थीटा का मान, थीटा का मान 45 अंश और 135 अंश आया, और यहां थीटा का मान 135 अंश और 225 आया, तो अब ये दोनों में उभयनिष्ठ मान, अब दोनों में उभयनिष्ठ मान, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ मान, उभयनिष्ठ मान। अब उभयनिष्ठ मान क्या होगा, थीटा का मान 45 और 135 है और थीटा का मान 135 225 है, तो यह 135 अंश यहाँ और 135 अंश यहाँ है, इसलिए उभयनिष्ठ मान हो गया 135 अंश, 135 अंश। अब इस मान को, अब इस मान को हम क्या करेंगे, रेडियन में बदल देंगे,
तो जब इसको रेडियन में बदलेंगे तो 135 गुणे पाई और बटे 180। अब 15 से काट दें, 15 नवा 135 और 15 15 और 15 2 30। फिर 3 से काटे, 3 3 9 और फिर 3 4 12 अर्थात हो गया 3π/4। अब यह वैन समान क्या हो गया, 3π/4 हो गया। तो अब लिखेंगे कि थीटा बराबर थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान होगा, थीटा का व्यापक मान होगा 2n π ± 3π और y, यही आपका आंसर होगा। यानी हम दोनों मानों से उभयनिष्ठ मान निकालेंगे और उभयनिष्ठ मान निकाल करके रेडियन में चेंज करेंगे। उभयनिष्ठ मान निकला, इसको रेडियन में चेंज किए, इसके बाद सूत्र लिखेंगे थीटा का व्यापक मान 2n π ± 3π/4। अब ऐसे ही इसको हल करना है। अब आगे देखें, अब देखें आगे क्वेश्चन, अब इसी में पुनः अब यहां है आपका मान लीजिए चौथा क्वेश्चन है कि कॉस थीटा बराबर 1/√2 और टेन थीटा बराबर -1 ये दिया गया है। तो कॉस थीटा बराबर 1/√2 और टेन थीटा बराबर -1 यह आपको दिया गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहां अब लिखेंगे अब जहां कॉस थीटा बराबर 1/√2। अब यह कॉस थीटा तो कॉस थीटा का मान 1/√2 में दो, तो कॉस थीटा का मान 1/√2 में दो, तो इसको लिख सकते हैं cos 45। एक मान यह हो गया cos 45 का मान 1/√2 में हो, ये हो गया। अब दूसरा मान क्या होगा, तथा अब इसको लिख सकते हैं यह cos 360 है, कास 360 और -45। कास ये चौथे चतुर्थांश में, कास 360 माइनस थीटा। अब हम पढ़े हैं ASTC, यानी यहां ASTC यानी इसमें आर पॉजिटिव होता, यहां साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कास और सेक पॉजिटिव। तो इसमें कास और सेक पॉजिटिव, तो कास
360 माइनस थीटा या कास 360 माइनस थीटा तो कास थीटा, तो कास थीटा होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, बराबर कास 45 अंश तथा अब यह होगा कास 315 अंश। अब यहां बराबर ये हो गया कास थीटा, तो अब यहां थीटा का मान, थीटा का मान, अब थीटा का मान होगा 45 अंश, 45 अंश तथा 315 ये हो गया। और इसके बाद इसको याद करेंगे तो टेन थीटा बराबर माइनस वन, अब यह टेन थीटा तो टेन थीटा बराबर माइनस वन, तो टेन थीटा बराबर आपका है माइनस वन और माइनस और टेन 45 माइनस टेन 45 एक। तो पहले चतुर्थांश में टेन का मान धनात्मक कार पॉजिटिव होता, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता, तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, तो इसको लिखेंगे टेन 180 अंश और माइनस 45, टेन 180 अंश माइनस 45, तो टेन 180 माइनस 45, तो टेन 180 माइनस 45, तो टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन 45 हो जाएगा। तथा अब तीसरे में टेन का मान धनात्मक, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा तो धनात्मक हो गया। अब चौथे में तो टेन 360 अंश माइनस 45, टेन 360 माइनस 45 तो टेन 360 माइनस थीटा या टेन 360 माइनस थीटा या टेन थीटा, अर्थात आपका हो गया, अब इसको लिखेंगे तो टेन 180 माइनस 45 टेन 135 तथा अब यहां टेन 360 माइनस 45 तो हो गया टेन 315 ये हो गया, और यह हो गया टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर टेन 135 बराबर टेन 315, तो यह थीटा का मान, अब थीटा का मान हो गया 135 अंश तथा 315 अंश ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में उभयनिष्ठ मान तो देखेंगे, दोनों में उभयनिष्ठ मान, तो अब यहां हमारा मान क्या है 315 अंश और यहां भी 315 अंश है, यहां भी 315 और यहां भी 315, इस नाते इसको क्या लेंगे उभयनिष्ठ मान, तो इसलिए उभयनिष्ठ मान तो ये उभयनिष्ठ मान, उभयनिष्ठ मान, अब यह उभयनिष्ठ मान जो होगा यह होगा 315 अंश। अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे यह होगा 315 अंश, 315 गुणे पाई और बटे 180 अंश। अब इसको सरल करेंगे तो 15 से भाग दें, तो 15 दूनी 30
और 15 एकम 15 और इसको 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 फिर 3 से काटे 3 चौक 12 और 3 सते 21 3 सते 21 अब यह हो जाएगा 7 पाई और बटे 4 ये हो गया 7 पाई बटे 4 अब वैन इस मान 7 पाई बटे 4 आ गया तो लिखेंगे 3 थीटा का व्यापक मान तो थीटा का व्यापक मान अब यह थीटा का व्यापक मान होगा 2n π + -7π/2 यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्नावली को करेंगे फिर आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।